जो भी आदमी आज जुए में जकड़े हुए हैं, हमें कैसे पता चले कि वो पक्के जुआरी बन चुके हैं? हमें उनसे सावधान भी रहना है, क्योंकि समाज में उनसे संबंध रखना बहुत ही कठिन हो जाता है। तो आइए देखते हैं कि हम कौन कौन से वो सब्जेक्ट हैं, कौन कौन से वो कारण हैं कि वो जुआरी बन जाता है, और हमें निशानियाँ पता नहीं है, किसी को भी मालूम नहीं है कि कौन जा रहा है, हमें मालूम नहीं है। कुछ निशानियाँ मैं बताने का यत्न करूँगा। प्रथम निशानी तो ये है कि वह मनुष्य बहुत ही उदास रहने का यत्न कर रहा है। हम उसे पूछना चाहते हैं भी क्या बात है, आज क्यों उदास हो, तो वो कुछ ही बताने का यत्न नहीं करता। लेकिन उसके कदम लॉटरी की दुकान में या ताश के पत्तों जहाँ खेले जा रहे हैं वहां जाने को उनका यत्न करता है। हम यदि थोड़ा सा यत्न करना चाहें तो हम पीछे उसके जा सकते हैं और ये पता कर सकते हैं ये उदास है तो उसके कदम भी जा रहे हैं। दूसरा, अब वो जो जकड़ा हुआ है उस लॉटरी में, वो ज्यादा से ज्यादा पैसा इकट्ठा करने की सोचता है। तो कैसे प्राप्त किया जाए? मान लो उसके मेहनत के पैसे सारे जा चुके हैं। प्रथम तो वो अपने मेहनत के पैसे लगाएगा, अपना बैंक बैलेंस खाली करेगा। अब घर परिवार वाले भी कहेंगे उसे भी, बेटे क्या बात है, आज इतने पैसे निकाल लिए, तो कुछ भी बताने का जरूरत नहीं करेगा वो। अब वो कुछ नहीं कहेगा, मैं बस कोई किसी काम से जा रहा हूँ, लेकिन काम नहीं बताएगा। तो इसे हमें सोचना चाहिए कि वो जो पैसे हैं वो गलत जगह पे लगाए जा रहे हैं, और यदि हम इंक्वायरी की जाए तो हमें मालूम चलेगा कि वो पैसे जुए सट्टे में लगाए जा रहे हैं। और अपने बर्तन भी संभाल कर रखो, कहीं वो बर्तन ही गायब ना हो जाए। मान लो कहीं तांबे के, पीतल के, ये भी बेचने का यत्न करेगा। यदि मान लो चांदी के हैं तो पहले चांदी को ही गायब करेगा, चांदी के बर्तन गायब कर दूं, सोने के जेवर गायब कर दूं। अब जब चांदी के, सोने के जेवर भी गायब हो जाएंगे तो वो तांबे के और पीतल के और जो फालतू घर की चीजें पड़ी हैं, कूड़ा कबाड़ पड़ा है, जैसे लोहे का सामान पड़ा है, उन्हें भी बेच देगा, क्योंकि उसे तो पैसा चाहिए। और पैसा प्राप्ति करने का यत्न करने वाला, बहुत ज्यादा प्राप्ति करने वाला, वो समझ लो कि वो जुए के अंदर जकड़ा हुआ है। और तीसरा, हम ये मान सकते हैं कि जो उसकी मानसिकता की सोच है, वो उसका ध्यान ही नंबरों की तरफ है, उसका ध्यान ही आजकल जो लाटरियां खिलाई जा रही हैं लगातार चल रही हैं, और मान लो 15 15 20 20 मिनट बाद चल रही हैं, कई शहरों में बंद हो चुकी हैं लेकिन कई शहरों में चल रही हैं या फिर चोरी से खिलाई जा रही हैं, तो हम उन बातों को नहीं लेंगे, लेकिन हम ये लेंगे कि वो उस जुआरी की पहचान कैसे हो। अब मैं ये कहने का यत्न कर रहा हूं कि तो एक तो जेवर चले गए, पहला उदासी का कारण बताया। अब उसका तीसरा है कि वो दिनों दिन ही कमजोर क्यों होता जा रहा है, शारीरिक कमजोरी ज्यादातर क्यों हो रही है उसे। हम यदि उससे पूछने का यत्न करें भी, कल तो अच्छे भले थे, हंसते खेलते थे, आज रोना हुआ चेहरा, रो रहा है बेचारा, इतना रो रहा है, अभी क्या हो रहा तुझे, क्या हो रहा है तुझे, क्यों रो रहा है तू, क्यों रो रहा है वो बेचारा, इसलिए रो रहा है अंदरों अंदर ऐसे, क्योंकि उसका पैसा बर्बाद हो चुका है। इतना पैसा वो जितना जितना उसने कमाया था, सारा का सारा ही डूब जाता है। इसके अलावा एक और बड़ा कारण है कि जब उसका सारा धन अपना खत्म हो जाता है, घर के जेवर भी बिक जाते हैं, घर के बर्तन भी बिक जाते हैं, और जितना सामान है आलतू फालतू वो भी बिक जाता है, तो उसे तो पैसा चाहिए। और फिर वह कुछ मांगने का यत्न करता है। पहले तो अपने घर के मेम्बरों से मांगेगा, जब उसे पूछा जाए किस लिए चाहिए तो वो किसी कीमत पे नहीं बताएगा, बस मुझे चाहिए, आप मुझे चाहिए चाहिए मुझे चाहिए, अब किस लिए चाहिए वो नहीं बताएगा।
मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी घर के सदस्य हैं, पैसा देने से पहले उस व्यक्ति को अवश्य पूछें कि वो पैसे किस मकसद के लिए उसे चाहिए, क्योंकि घर के मेम्बरों को पहले पता चल जाता है कि इसने जेवर बेच दिए हैं, बर्तन बेच दिए हैं, और घर के मेम्बरों को यदि पता चल चुका है कि ये पैसे जुए में जाने वाले हैं, तो मेरा उनसे अनुरोध है कि वह किसी कीमत पर भी उसे एक रुपया भी ना दें, क्योंकि वो एक तो जो धन है थोड़ा बहुत कमा रहा है वो भी व्यर्थ में जा रहा है, वो घर के मेम्बरों को नहीं दे रहा, दूसरा उसको हम कुछ दे देंगे तो वो भी बहुत यानी कि गलत विचारों में गिना जाएगा। फिर जो कर्जा देने वाले हैं वे भी उस व्यक्ति से सावधान रहें। अब कैसे पता चले, कर्जा देने वाले तो पहले कुछ ना कुछ रखवाते हैं अपना, ऐसे कर्जा तो वो भी नहीं देते हैं, वो भी समझदार होते हैं। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जो उसके मित्र संबंधी हैं, जैसे किसी को एक दिन के लिए पैसे चाहिए, अब एक दिन के लिए तो कोई ले गया पैसे और उसने चुकाया नहीं और वो बेचारा कारण नहीं जान पाया, पहले उसे पूछना चाहिए उस व्यक्ति से भी किस कारण तुझे पैसे चाहिए। यदि ठीक है, मित्र को उस पर विश्वास है अभी इसे इस कारण पैसे चाहिए, तो ही उसे पैसा दिया जाए, नहीं तो व्यर्थ में ऐसे पैसा देना उसे जुए की लत को बढ़ाना है। अन्य कारणों में हम गिनते हैं कि जुआ खेलने वाले की बुद्धि भी नष्ट हो जाती है। पहली बात, यदि वो पकड़ा नहीं जा रहा तो वो ड्यूटी से जो वो काम कर रहा है वो अपनी ड्यूटी को छोड़कर वो जुआ खेलने की सोच रहा है। मानो जो शेयर मार्केट में फंसा हुआ है, या फिर ताश के पत्ते में फंसा हुआ है, या फिर लॉटरी में फंसा हुआ है, तो वो अपनी ड्यूटी को छोड़कर जल्दी भाग जाता है, या बीच में ही चला जाता है, या भोजन में समय ज़्यादा लगाता है। तो हमें ये परखना चाहिए कि उसका ये समय कहाँ जा रहा है और कुछ अपने काम से जी ये ज़्यादा क्यों चुराया जा रहा है उसका, और कुछ वो आलस बुद्धि भी हो जाता है। अब दिन में वो ज़्यादा सोने लग जाता है, हमें उठना चाहिए प्रातःकाल, लेकिन वो पड़ा रहता है क्योंकि उसे वो गम खाया होता है। जब घाटा इतना बढ़ जाता है तो मनुष्य इतना गमगीन हो जाता है कि सोचने समझने की शक्ति भी खो बैठता है और कुछ अपने दिमाग को रेस्ट देना चाहता है, इस कारण वो ज़्यादा सोता है। जब तक वो सोएगा नहीं तो उसकी वो टेंशन दूर नहीं होगी, वो ऐसा भी सोचता है। तो उसकी परखने की ये भी है कि कहीं वो अपनी ड्यूटी को छोड़कर जा रहा है और आलसी हो रहा है, उसकी विवेक बुद्धि नष्ट हो रही है, और घर के जेवर चुरा रहा है, और कर्जा मांग रहा है, और निराशा में है, अति दुखी है, उदास है, और जहाँ तक कि वो आत्महत्या की भी सोचता है, क्योंकि वो इतना पैसा लेकर कर्जा उसके पर चढ़ गया है मांग मांग कर। तो जितने उसके मित्र हैं, अन्य रिश्तेदार हैं उसकी मानहानि करते हैं, उसे ताड़ना देते हैं कि कितना अच्छा आदमी था और कैसा बन चुका था।